गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन परिवर्तन आईएएस एकेडमी। आज 25 जून 2018 हो गई और आज के द हिंदू को हम थोड़ा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। आज एडिटोरियल भी आए हैं, लेकिन आज का न्यूज़पेपर बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि ना तो कोई ऐसा आर्टिकल है, एक दो आर्टिकल को छोड़ के, जो बहुत इंप्रेसिव हो, और न्यूज़ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट हाफ में तो पहले 7-8 पेज में तो केवल एक ही इन्फॉर्मेशन है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो लेकिन ब्रीफ में देखते हैं। देखिए, ये असम की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आप सिटीजन है या नहीं, क्योंकि इसका एक पर्पस था कि इलीगल लोग जो एंट्री कर चुके हैं असम के अंदर और इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं, उनकी वजह से एक सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ा है। इसलिए असम गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि नेशनल रजिस्ट्रार कमीशन के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन किया जाए, प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए सिटीजन्स को कि वो असम से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो उसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन है। इसका रीजन ये है कि बहुत से लोग इवन एमएलएज तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए वहाँ पर, ये बड़ा दिक्कत वहाँ पर हो रहा है। तो और वहाँ पर कई बार वायलेंस भी हुई इस मामले में, ठीक है। कई पोलिटिकल पार्टी जो है विरोध करती इस तरीके का, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसमें सीन यहाँ पर दिखाई देता है। सर, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन, ये फोटोग्राफ आप देखेंगे, ये न्यूज के साथ अटैच करता हूँ। यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 1957 से जो बैन चल रहा था, 1957 से वुमेन्स ड्राइव नहीं कर सकती, वो अब उनको राइट दिया गया है 2018 के अंदर कि वो ड्राइविंग कर सकती हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि क्या सऊदी अरबिया इतना बदल गया है। सऊदी अरबिया माना जाता है कि दुनिया के सबसे कठोर कानूनों वाला देश है, उसके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी कि सऊदी अरबिया का पर्सनल इश्यूज नहीं था ये, यहाँ पर ग्लोबल एक प्रेशर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट है। आप गाड़ी से रोक सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर इंटरनेट का ये ज़माना है, और उसको कैसे रोक सकते हैं। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एक पाइप होता है, अगर एक पाइप को, प्लास्टिक का पाइप, उसको हम लिमिट से ज़्यादा टाइट कर देते हैं, कड़ा कर देते हैं, तो टूट जाता है। इसी प्रकार अगर हम प्रेशर देंगे ना कि हमें राइट्स ज़बरदस्ती थोपेंगे, तो एक उबाल देखने को मिल सकता है। जैसे जैस्मिन रिवोल्यूशन हुई थी, सरकार के विरुद्ध क्रांतियाँ हो सकती है। तो ये लोग यूथ्स खासकर, तो एक इंटरनल सिविल वार जैसी सिचुएशंस हो सकती थी इन फ्यूचर, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। सेकंड थिंग ये है कि जो वेस्टर्न एशिया, जो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया जिसको बोलते हैं, मध्य पूर्व एशिया, जो एक तरीके से यूरोप और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, उसमें लगभग कुछ कंट्री को छोड़ दीजिए, वो इंटरनल सिविल वार से जूझ रही है, ठीक है। आप इराक देखिए, सीरिया देखिए, इवन इसराइल के अंदर इसराइल पलिस्तान चल रहा है, यमन के अंदर सिचुएशन किस तरह की हुई है। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस रीजन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें देना बहुत एक अच्छी न्यूज है, और ये एक इन मैसेज है सोसाइटी को भी, और वुमेन्स राइट के लिए बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए, इंडिया ने मालदीव के साथ जो हमारे रिलेशनशिप थे, इससे शायद थोड़ा और इफेक्ट पड़ सकता है। इंडिया ने जो एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, निर्यात उनको करते थे, कुछ इसेंशियल कमोडिटीज लाइक पोटैटोज, ओनियंस, एग्स, अब उसमें थोड़ा कट कर दिया है। जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी होती है उसको कम किया गया, और इसका असर जो है वहाँ की एक तरीके से बोल सकते हैं फूड शॉर्टेज पर पड़ेगा। ये एक अच्छा कदम इसलिए हो सकता है, एक तरीके से एक पक्ष होता है ह्यूमनिटेरियन के रूप में, दूसरा पक्ष ये होता है कि हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं मालदीव से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन मालदीव हमें ही धमकी देने की कोशिश कर रहा है। मालदीव को पहले भी पता था कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री होगी जिसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे, चाइना से आप रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन जो जब जरूरत होगी तब इंडिया, और ये वही इंडिया था जब पानी की आपके यहाँ शॉर्टेज हुई, तो हमने शिप्स में भर के पानी भेजा था, वो भी मिनरल वाटर। इंडिया में शायद लोगों को मिनरल वाटर ना मिले, पीने पानी के लिए हम लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए भेजा इसलिए क्योंकि आप नेबर थे, लेकिन आप लोग हमारे विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं, प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है।
बाकी इसका क्या असर होता है, उन्होंने तो बोला कि इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेटली असर होने वाला है क्योंकि इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर में बड़ी पोजीशन रखता है मालदीव्स के अंदर। ठीक है, देखिए दिल्ली मेट्रो को वर्ल्ड का सबसे बड़ा पांचवा एक तरीके से नेटवर्क का खिताब मिल गया है, वो इसलिए कि कल ही एक मेट्रो लाइन जो मुंडका दिल्ली का एक कॉर्नर है, दिल्ली की एक जगह है मुंडका, और वहाँ से बहादुरगढ़ हरियाणा में एक जगह तहसील है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसको कनेक्ट किया, तो दोनों जब 11 किलोमीटर की रेंज और इंक्रीज की गई, और उसके बाद इसको वर्ल्ड का पांचवा लार्जेस्ट एक तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट बोला गया, और इन फ्यूचर ये शायद बीट भी कर जाए, जब क्योंकि एक्सपेंड बहुत होना है इसके। इसमें अगर बात करें तो बीजिंग, लंदन, संघाई और न्यूयॉर्क, ये चार बड़े नेटवर्क है। ये चार बड़े नेटवर्क इसलिए है कि बीजिंग, लंदन, संघाई, न्यूयॉर्क बहुत बड़े एक तरीके से सिटीज़ है, वहाँ सिटीज़ बहुत बड़ी है, और दिल्ली मेट्रो जो है कार्बन न्यूट्रल है एक तरीके से, सबसे वर्ल्ड की कार्बन न्यूट्रल, यहाँ पर कार्बन एमिशन नहीं होता, CO2 एमिट नहीं करते, वो पूरी तरीके से बिजली से प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है अभी तो, क्योंकि ड्राइवर लेस ट्रेन आ गई है, और मेट्रो कह सकते हैं कि धड़कन है मुंबई दिल्ली की वहाँ की, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये एकमात्र ऐसी मेट्रो होगी इसमें ऐसा कोई बड़ा इश्यूज़ नहीं हुआ, छोटे छोटे टेक्निकल इश्यू तो सब जगह हो सकते हैं, लेकिन बड़ा इश्यूज अभी तक उभर कर नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। यहाँ पर देखिए पहला एडिटोरियल जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, दूसरा है एक तरीके से डील जो ओपेक कंट्रीज के साथ होनी है उसके बारे में है, और ये वाला एडिटोरियल एक तरीके से कास्ट सेंसस पर है, और ये है अभी लोग जो लिंचिंग हो रही उसके बारे में है, तो हम इस पर फोकस ज़्यादा करेंगे, ये ब्रीफ में हम देखेंगे। ठीक है, पहला है कि अभी UN स्टेट्स की यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी 2017 में, उसमें बताया था कि वर्ल्ड में जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड पोषण से संबंधित पॉलिसीज है उनके अंदर कितना रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर भी असेसमेंट किया गया, और ये पाया गया कि जो फूड सिक्योरिटी एंड बेटर न्यूट्रिशन जो है वो आगे हो सकता रिस्क हो जाए, एंड जब सेंचुरी हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक रिस्क के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो हंगर है और पुअर न्यूट्रिशन वो हमेशा हाई रहा, हालांकि 2000 से 2013 के बीच में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 2013 से 2016 के बीच में तो एक इंक्रीज देखने को मिला, लगभग 815 मिलियन लोग जो हैं वो क्रोनिक फूड डिप्रिवेशन से या फूड डिप्रिवेशन से इम्पेक्टेड हैं एक तरीके से। ठीक है, यानी भोजन से ही वो, और इसे 2016 से कंपेयर करें जहां 7.75 मिलियन थे, अब ये अमाउंट बढ़कर लगभग 40 मिलियन अमाउंट एक तरीके से बढ़ गई, 40 मिलियन लोग ज़्यादा भूख से या भोजन से एक तरीके से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, और यहाँ बता के कि ये चीज़ें दो जगह ज़्यादा है, पहली चीज़ जहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, झगड़े हैं, घरेलू वार, सिविल वार, जहाँ पर यमन, साउथ सूडान, आप देखोगे UPSC ने पूछा था कि वो कॉन्फ्लिक्टेड जगह कौन सी है जहाँ पर हंगर रेट ज़्यादा है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी आए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि UPSC में जो लिंकेज होता है टॉपिक्स का वो इसी तरीके से होता है, वही हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन रेट हालांकि गिरी है, लेकिन ये भी सही है कि स्टनिंग से बहुत सारे बच्चे, 1 in 4, एक में से चार बच्चा जो, सॉरी चार में से एक बच्चा, यानी 25% बच्चे स्टनिंग का मतलब होता है कि वो ग्रोथ ना होना प्रॉपरली, उससे अफेक्टेड है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और हमें ये भी है कि कंट्रीज़ को, देशों को, विभिन्न देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सतत विकास लक्ष्य 2016 से 2030 तक एक वैश्विक लक्ष्य हमने तय किए थे, उनको प्राप्त करने के लिए चैलेंज के रूप में देखने को पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं भारत की बात। भारत में दो बड़ी चीज़ें हुई, पहली 2013 के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। ठीक है, और अभी 2016-2017 के अंदर, एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं आ रही, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। ईयर आप मेंशन करना यार, 2016 या 2017 है, अभी जो राजस्थान से आई थिंक झुंझुनू से वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, वहाँ पर वो दो चीज़ों ने काफ़ी इम्पेक्ट किया है कि
कि पॉजिटिव एक साइन देखने को मिलेगा, शायद इन फ्यूचर भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि 14.5% पॉपुलेशन जो है अंडर न्यूरिस्ट है, यानी अभी भी न्यूट्रिशन की कमी है। और अगर हम बात करें यूएन असेसमेंट 2014-16 की, तो वहाँ पर ये बताता है 53% वुमेन्स जो है एनीमिया से इफेक्टेड है, और हरियाणा की में सबसे ज़्यादा वुमेन जो है एनीमिया से इफेक्टेड है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना, सीधा सिंपल सिंपल बताऊँ, महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसको एक तरीके से एनीमिया बोल सकते हैं सिंपली टर्म्स में, ठीक है। इसके अलावा हालांकि ये बोला गया कि हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, यानी सरकारी राशन के दुकानों पर सस्ते दरों पर अनाज का वितरण के माध्यम से ज़्यादा शिकायतें नहीं आई है, लेकिन अभी इसमें और इसमें काम किया जाना बाकी है। और नीति आयोग खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनको भी इस तरह की प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल करवाए जाए, जिसके माध्यम से जो माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशंस कम होने की प्रॉब्लम होती है उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। ये वाली न्यूज जो है ओपेक के बारे में, यहाँ दो चार चीजें हैं, बस उनको सीधा साफ स्पष्ट समझ लेंगे। पहली चीज ये है कि सऊदी अरबी, आप जानते होंगे ओपेक कंट्रीज, ओपेक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में इनका दबाव रहता है, एक तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सऊदी अरबिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सऊदी अरबिया हो गया वहाँ का लीडर, ठीक है। तो उसके बाद भले ही आप ना माने, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी फैसला हुआ कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है उसकी जो है वो डेली प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। डेली प्रोडक्शन या उत्पादन इसलिए बढ़ाया जाएगा कि अभी वर्ल्ड के अंदर ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस, और उसका असर जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर भी है ओपेक कंट्रीज पर। जैसे इंडिया और चाइना ने एक तरीके से बात करी कि हम ऑयल बायर्स क्लब बनाएंगे, आप रिजनेबल प्राइस कीजिए, क्योंकि हमारे इंडियन और खास चाइना दोनों इम्पोर्ट करने वाली कंट्री है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, ठीक है। तो अभी डिसीजन लिया गया कि हम लोग इंक्रीज करेंगे वैल्यू, उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दूसरा पक्ष है वो उसको हम लोग समझते हैं कि, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा ही है, डोनाल्ड यूएसए और सऊदी अरबिया एक तरीके से पार्टनर है। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि ये तो ठीक है, आप ईरान यहाँ पर आप सॉरी सऊदी अरबिया का कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं कि सऊदी अरबिया ने बोला और उसका असर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन दो और कंट्री है, खासकर लीबिया, एक सेकंड, लीबिया और इराक, लीबिया और वेंजुएला, ये कंट्री ऐसी हैं कि अगर ये तो पहले ही मतलब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, और इनकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई है कि मतलब उठना भी में भी दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि सऊदी अरबिया की करेंसी की वैल्यू बहुत तगड़ी है भाई, उसकी करेंसी और इनकी करेंसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता अगर प्राइसेस कम होते हैं। क्योंकि ओपेक का मतलब ये होगा सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे, पब्लिकली डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। और उन डिसीजंस में जब भागीदारी इन कंट्रीज की हो रही है, धक्के से ही मान लो, तो इनकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। यानी एक तरफ देखें ऑयल प्राइसेस का कम होने का हमारे लिए तो वही पॉजिटिव कि हमें सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन इन इकोनॉमीज को, लीबिया वेंजुएला इस तरह की इकोनॉमीज को जो कि तेल बेस पर अवेलेबल अपना इकोनॉमी चलती है और जो खुद स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सोशली, तो उनके लिए और चैलेंजिंग हो जाएगी चीज, ठीक है। ये जो सेंसस है, ये सेंसस या जनगणना से संबंधित चीजें हैं, इस पर दो चीजें बोली गई है कि 2021 में अभी जनगणना होने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए डाटा 2020 तक, आई थिंक 2020 में या 2021 में ही तैयार होता है, फरवरी में स्टार्ट होता है। तो क्या जनगणना में जाति को एक फैक्टर के रूप में काउंट किया जाए, इसमें दो पक्ष हो सकते हैं। पहला पक्ष ये होगा कि अगर जाति के बेस पर डाटा आ जाते हैं तो डेवलपमेंट करने में थोड़ी आसानी होगी, जैसे कि कौन सी कम्युनिटी में कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, क्या कंडीशंस है इकोनॉमिकली, कैसी कंडीशंस है, और वो चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। दूसरा पक्ष यहाँ पर है, अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होते हैं तो उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा। मिसयूज कहाँ,
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होगी बहुत खतरनाक रूप से, लोग मतलब केवल अपने समुदाय अपनी जाति तक केवल शब्द लगना शुरू हो जाएगा कि हम इस जाति के कैंडिडेट का सिलेक्शन इस बेस पे होगा कि इस कास्ट में कितने इस एरिया के अंदर किस कास्ट के कितने कैंडिडेट्स वो हैं मेंबर्स हैं, तो पूरा कास्टिस्ट एक तरीके से इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ दोनों पक्ष हैं, एक डेवलपमेंट कर सकते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होने चाहिए या नहीं, ठीक है? और दूसरा एक इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो सेंसस या जनगणना शुरू हुई थी ये कब से शुरू हुई थी, और उस समय हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी थे वो कौन थे, वो आप नीचे मेंशन करना, ठीक है? ये वाला न्यूज जो है वो बेसिकली अभी जो लिंचिंग और इस तरह की एक्टिविटीज हुई है जो कई जगह पर, मतलब भीड़ द्वारा आक्रमण करना और खासकर काउ स्लॉटर या काउ एक तरीके से गाय जो है वो हिंदू सेंटिमेंट्स में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, गाय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि भीड़ द्वारा हत्या कर देना एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं है, वो जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, ये भी सही है। तो अल्टरनेटली इसमें ये बोलने की कोशिश है कि जो अटैक हो रहे हैं वो केवल मुस्लिम कम्युनिटी के विरुद्ध हो रहे हैं, तो इससे सहमत और असहमत होने का माजरा नहीं है। इसमें पक्ष ये है कि जो भी देखो अगर कोई भी लॉ के खिलाफ काम करता है, ठीक है, क्योंकि हत्या करना आप नहीं कर सकते, वो आपके विरुद्ध केस होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि क्या केवल मुस्लिम्स के खिलाफ ये चीज़ें होती हैं या एक कम्युनिटी बेस्ड हैं, ऐसा नहीं लगता क्योंकि डाटा नहीं है हमारे पास, एग्जैक्टली डाटा नहीं है। फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग बोलेंगे कि मुस्लिम ये केवल हिंदू खिलाफ हो रहा है, तो आप कम्युनिटी बेस्ड डाटा मत प्रेजेंट करिए। यहाँ पर ये जामिया जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में उसके प्रोफेसर हैं, तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता बोलनी चाहिए एक प्रोफेसर को। रीज़न ये होता है कि टारगेट्स होता है वो कम्युनिटीज़, केवल एक कम्युनिटीज़ के विरुद्ध नहीं होता, अटैक किसी पर भी हो सकता है, और जो अटैकर्स होते हैं गलत करते हैं तो गलत ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी वाला जो वर्ड है थोड़ा सा मुझे आपत्ति पर्सनली यहाँ पर, अटैक किसी भी कम्युनिटी पर हो सकता है और जो करता है उसको भुगतना पड़ेगा, बस यही है। आप जो गलत करोगे तो भुगतोगे आप, यहाँ पर आपको जो केसेस फाइल होंगे आपके विरुद्ध, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शंस लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना हो कहीं भी, किसी भी कम्युनिटी में इस तरह की चीज़ें ना हो। और ये ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलर कम्युनिटी के विरुद्ध हो ये सारी चीज़ें हो रही है, ये हमारे पास डाटा नहीं, हम कैसे कह सकते हैं एग्जैक्टली हमारे पास क्या फिगर है, गवर्नमेंटली डाटा क्या है, फिर तो हम लोग डिस्कस करें कि ये केवल पर्टिकुलर कम्युनिटी पर ही है। देखिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है कि परसेप्शन चेंज हुआ है अभी, जब से ये रियलिटी है, जब से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर रूल लगा है वहाँ पर सिनेरियो जो है चेंज हो गया पूरी तरीके से। बहुत सी मिलिट्री को मतलब एक पावरफुली एंड किया गया, और जो इस तरीके से यूज किया गया डिफेंस फोर्सेस को कि वहाँ पर सिक्योर, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो अब फेवरेबल में आ रही है। जो फंडिंग करते थे इन पत्थरबाजों को उसको तोड़ा गया, उनके हेड्स को तोड़ा गया, क्योंकि ये पैसे के लिए अगर आप इंडियन आर्मीज पर, इंडियन फोर्सेस पर पत्थर फेंक रहे तो इससे खतरनाक कोई देश के लिए चीज़ नहीं हो सकती थी, तो उसको रोका जा रहा है। धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, और जितने मिलिटेंट थे आतंकवादी घुसे हुए थे इस राष्ट्र के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको ठोका जा रहा है, मतलब उनको मारो, यही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए डिफेंस मिनिस्टर और अगर आर्मी हेड ये बोलते हैं कि अगर मिलिटेंट्स हैं आतंकवादी हैं तो मारे जाएंगे, हाँ इस राष्ट्र में आप किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट नहीं, असर नहीं डाल सकते, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा इस देश में सबसे इम्पोर्टेंट है, और अगर किसी भी सिविलियन पर टेररिस्ट अटैक होता है तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की और आर्म्ड फोर्सेज की कि वो प्रॉपरली उस पर एक्शन ले, और वही हो रहा है, सिचुएशन धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है, लेकिन कितना समय लगा कितनी होगी ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है।
देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया और बांग्लादेश की जो नेवीज है उन्होंने एक तरीके से ज्वाइंट पेट्रोलिंग पर, जिसको कॉर्पेट बोलते हैं, कॉर्पेट हम इंडोनेशिया के साथ भी करते हैं, कॉर्पेट का मतलब है कोऑर्डिनेशनल कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग जो होगी वो कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग करेंगे ताकि सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पेक्ट ना हो। बाकी वर्ल्ड सीन में भी यहाँ भी कोई नहीं है, एक इलेक्शन हो रहा है तुर्की के अंदर और यहाँ पर वही हमने बात की थी सऊदी अरबिया के अंदर राइट दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो बच्चों को कस्टडी में लिया गया है या जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे, अभी भी 2053 बच्चे कस्टडी के अंदर है, ये इन्फॉर्मेशन आई है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट जो है बिग डाटा सिस्टम जो है उसको एक्सेस करने के लिए एक तरीके से टेस्ट करेगी। बिग डाटा का मतलब एक बड़ी संख्या में जो डाटा स्टोर किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे कंप्यूटिंग में ही होता है मोस्टली। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड का जो डाटा बड़ी संख्या में अवेलेबल है कंट्री के पास, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है UIDAI वो उसको स्टोर किए हुए, तो उसमें बातचीत कर रहे कि बैंक को जो रिस्क हो सकते हैं या अलग अलग सेक्टर को जो रिस्क हो सकते हैं उसको एनालिसिस किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा एक तरीके से। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पहली इन्फॉर्मेशन है कि बैंक्स में जो अभी डिपॉजिट हुए हैं उसके बारे में, कि 2017-18 में डिपॉजिट करने वालों की संख्या या डिपॉजिटर जो है थोड़े कम हो रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये यहाँ पर प्राइवेट बैंक है, उसके बाद फिर फॉरेन बैंक्स आते, ऊपर आते रीजनल बैंक की वैल्यू बहुत ही कम होती है, प्राइवेट बैंक में बढ़ा है। और यहाँ पर NPA नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट के बारे में बताया गया है कि गैर निष्पादनकारी संपत्तियों को दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पहला इन्होंने बताया कि रेगुलेटर्स का रोल, चाहे RBI का हो बैंक्स का हो, वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो। और उसके बाद बैड बैंक के बारे में सोचा जा सकता है, बैड बैंक एक तरीके से जो जितने भी डिफॉल्टर्स हैं उनका लोन्स एक बैंक में शिफ्ट किया जाए, इसमें पक्ष विपक्ष अलग अलग राय है, ठीक है। ये लास्ट में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के बारे में, जो डिसीजन लिए जाने की कौन कौन सी साइट्स जो है वो इसमें शामिल हो, और इसमें इंडिया की एक तरीके से आर्ट डेको हेरिटेज इन मुंबई ये भी चर्चा में है, ठीक है, ये न्यूज़ में है, इसलिए इसके बारे में भी बातचीत हो रही है कि ये भी इसमें शामिल होगी नहीं होगी। तो कई इसमें वर्ल्ड की साइट्स के बारे में बातचीत करी गई है, जब फाइनली हो जाए, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को रिलीज करता है, इसमें इंडिया में कौन कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और कौन सी साइट को, कौन सी एक सिटी को हमने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में दर्जा दिया गया था यूनेस्को द्वारा, वो कौन सी सिटी है वो आपको नीचे मेंशन करनी है। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।